साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस डिलीवरी इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना दो दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मेरे। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है,
देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है।